आज के वसाप पर लाइफ आफ्टर रोडीज एंड पेप्सी फर्स्ट बॉल का कैप्टन कौन। हेलो एंड वेलकम टू पेप्सी एमटीवी वसाप द वॉइस ऑफ यंगिस्तान। मेरा नाम है होसे और आज के टॉप स्टोरीज में मैं ऐसे बात कर रहा हूँ क्योंकि बीजिंग चाइना में एक बंदा है, बिल्डर है, ओके, उनके पास बिल्डिंग्स है, ऑब्वियसली उनको बेचना है, तो अगर आप खरीदेंगे उनसे वो आपको एक बीवी और डाउरी भी देगा, वो भी फ्री में। कैन यू बिलीव इट, क्या स्कीम है भाई लोग। ये भी नहीं, उनके पास एक वेबसाइट है, उनके सेल्स गर्ल के सभी पिक्चर्स है उस वेबसाइट पे। अगर आप एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी लेंगे उनसे तो आप सेल्स गर्ल को डेट कर सकते हो। आइए यंगिस्तान से बात करते हैं कि क्या ये चलता है क्या आपके ख्याल से। आपको लगता है कि इंडिया में चलेगा अगर ऐसा स्कीम आ गया, आप घर लेंगे किसी से? नहीं, मैं तो नहीं लूंगा, मगर वैसे चलेगा स्कीम। अगर मुझे ऐसा कोई ऑफर दे तो आई डेफिनेटली एक्सेप्ट। क्या बात कर रहे हो, रियली? तो आपको लगता है कि इंडिया में ऐसा कुछ स्कीम चल सकता है? डेफिनेटली चल सकता है, क्यों नहीं चल सकता, क्योंकि इंडिया में मेरे जैसे लोग भी बहुत सारे होते हैं। आपके लिए चेकआउट की रोडीज के बाद क्या, हाँ, क्या करते हैं ये लोग, फाइंड आउट इन लाइफ आफ्टर रोडीज। रोडीज तो खत्म हो गया है, व्हाई यू स्टिल वाचिंग एमटीवी यार? Just kidding. Alright, तो अब थोड़ी मस्ती के लिए let's go and ask youngestanis कि उनको क्या लगता है roadies को अभी इसी वक्त what should they do to prolong their 15 minutes of fame? Come, let's go ask. तो आप मुझे बताइए कि एक तो roadies में से like you know the one that stood out the most for you कि उनको अभी अपनी जिंदगी के साथ क्या करना चाहिए? पलक बहुत ही अच्छी wrestler बनेगी and उसको WWF में जाना चाहिए। जिस तरह से वो अपने कलीग्स के साथ फाइट करती है रोडीज पे, वो उसको उसमें ही काम आएगा। आई डोंट थिंक एनी अदर करियर ऑप्शन विल बी बेटर फॉर हर। नोमान तो इतना गर्ली है, थोड़ा प्रिटी भी है, तो उसे स्कर्ट पहन के आईपीएल चीयर लीडिंग के लिए जाना चाहिए, बहुत अच्छा होगा। रोडीज फाइनली खत्म हो गया है, तो अब वन ऑफ योर फेवरेट रोडीज, ठीक है, उनको एज अ नेक्स्ट स्टेप इन देयर करियर पाथ उनको क्या करना चाहिए? फॉलो मी को तो लीड रोल होना चाहिए कोई हॉरर मूवी में। हाँ, राम से ब्रदर्स में तो गारंटी ले लेंगे उसका। आपका सबसे फेवरेट रोडी कौन था थ्रू द एंटायर जर्नी? सूफी। व्हाई सूफी? ही इज सो हॉट। सूफी का नेक्स्ट करियर स्टेप क्या होना चाहिए? ही शुड बिकम एन अंडरवेयर मॉडल। ओके, दैट्स कूल। सूफी हैज गॉट सम या लव फॉर यू देयर मैन। Oh my god, that's so scary! I just saw Polly being a very, very scary movie. Oh my god. Oh, wow. Is that Soupy in underwear? Okay. Oh my goodness, look, it's Snowball! Cheering for the IPL team! That's such a cute skirt. Well, anyway, you guys, if you have any more better career options or perhaps more innovative and interesting career options, just write to us at wassup@mtvnews.com and let us know. And that's about it! Bye! बनाना, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी और अब ब्रेकिंग न्यूज, वेजिटेरियन कॉन्डम्स। जी हाँ, तो हिंदुस्तानी भाई लोगों ने ये इन्वेंट किया है वेजिटेरियन कॉन्डम्स जिसमें मिल्क केसिंग नहीं होता है। यस, कैन यू बिलीव इट, कॉन्डम्स वेगन्स के लिए। लेट्स फाइंड आउट फ्रॉम यंगिस्तान ये लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में। आपने वेजिटेरियन कॉन्डम्स के बारे में सुना है? हाँ, सुना। क्या ख्याल है आपका, व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस? I am too small to use a condom right now, so too small. Small मतलब? Too small मतलब? आप तो, मैं तेरे से ऐसा बात करना पड़ रहा है भाई। वो तो सिर्फ हाइट है ना, उम्र तो सिर्फ 17 साल है। अच्छा, बाकी सब छोटा। I'm just wondering आप क्या बोल रहे हो? Anyway, तो आपको क्या लगता है कि ऐसा ये चलेगा ये concept vegetarian condom? बिल्कुल नहीं, इट्स अ फ्लॉप कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा, वेजिटेरियन कॉन्डम? लिसन, व्हाइल डूइंग नॉन वेज थिंग, नोबडी केयर्स फॉर दिस वेदर इट इज वेजिटेरियन और वेदर इट इज नॉन वेजिटेरियन। ओके, तब तक यू चेक आउट आवर नेक्स्ट स्टोरी। ऑलराइट, फर्स्ट बॉल का कैप्टन का फर्स्ट विनर डिसाइड हो चुका है। ये बंदा कहां से है? Obviously, New Delhi से है. He's going all the way to bowl the first ball of T20 World Cup to a legendary cricketer. Isn't that awesome, guys? आप पता करते हैं यंगिस्तान से कि अगर उनको मैं चांस दूं तो फर्स्ट बॉल किसको डालना चाहेंगे? Let's find out. तो फर्स्ट बॉल का कैप्टन अगर आप बन गए तो किसको फर्स्ट बॉल डालोगे आप? Maybe सौरव गांगुली। धोनी। बच्ची को? राहुल द्रविड़। धोनी को? Why धोनी? He's cute, he's smart. और उसने उड़ा दिया स्टेडियम के बाहर, तो कैसा लगेगा आपको? अच्छा लगेगा। धोनी बहुत अच्छा शॉट मारा, ऐसा बोलोगे? आप अगर बॉल डालोगे सौरभ गांगुली को तो किस तरह से डालोगे?
maybe a fast pace of ball. अगर आपको चांस मिला किसी लेजेंडरी क्रिकेटर को जाके बॉल डालने के लिए तो आप किसको बॉल डालोगे? सचिन तेंदुलकर सचिन को आइला हटा हटा ए आइला हटा हटा सचिन तेंदुलकर को आपने ऐसे बॉल डाला और उसने छक्का मार दिया तो कैसा लगेगा? अगर कोई भी उसको बॉल फेंकेगा तो छक्का ही मारेगा। बोल्ड तो हो ही नहीं सकता यार, अपना है तेंदुलकर है ना। और क्या, ठीक है। और अगर बोल्ड हो गया सचिन तेंदुलकर तब कैसा लगेगा? वो तो उससे बेटर है, उससे बेटर है बिल्कुल। अगर आपने सचिन तेंदुलकर को बॉल डाला और उसने ऐसे रोक के आपको ऐसे कर दिया तो कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा, दैट्स स्टाइल। Alright, मेरे साथ है सुनील कुमार, who's the first winner of the first ball का captain. सुनील, where are you man? अरे, hey what's up सुनील? How are you man? Fine. Congratulations, कैसा लग रहा है आप? बहुत ज़्यादा excitement जो आज तक कभी हुआ नहीं। Okay, तो अभी क्या करोगे आप वहाँ पे? आपने practice शुरू कर दिया bowling का? जी बिल्कुल, मुझे wicket को खाड़ना ही है। कैसे करोगे? एक बार खड़े हो ना, एक बार थोड़ा सा ये मुझे swing करके दिखाएंगे कि first ball ये किस तरह से डालेंगे वहाँ पे जाके। हाँ बोल्ड, क्या बॉल डाला, तालिया तालिया, क्या बात है, आपने तो क्रैक मारा। आपको क्या लगता है कौन होगा आपका जो बॉल फेस करने वाला बंदा है, कौन होगा वहाँ पे? आपको क्या लगता है? सचिन तेंदुलकर। तेंदुलकर या तेंदुलकर साहब, सुन रहे हो ना, आपको बॉल डालने के तैयार है, प्रैक्टिस कर रहा बंदा, अगर हो सके तो आप ही फेस करना इसका बॉल। रेडी? सो एनी मैसेज दैट यू वांट टू गिव टू एवरीवन जो कि पार्टिसिपेट करने वाले इस कॉन्टेस्ट में? अगर आप में भी है पेप्सी पीने की प्यास तो आप भी हो सकते हैं द नेक्स्ट वन। अरे क्या बात है, मतलब फुल सीख के आए घर से। अभी तक अगर आप वहां पे गए नहीं हो देन गो देयर नाउ, इट्स fakeiplplayer.blogspot.com। ये बंदा जो है ही इज प्रिटेंडिंग टू बी वन ऑफ द प्लेयर्स फ्रॉम द कोलकाता नाइट राइडर्स और ये सब इनसाइड इंफॉर्मेशन दे रहा है, पोल खोल कर रहा है, अनाप शनाप बक रहा है, पता नहीं कौन है, लेकिन इट्स द फेक आईपीएल प्लेयर फिनोमेनन। आइए यंगस्तान से पूछते हैं कि इनका क्या ख्याल इसके बारे में, हु कुड दिस फेक आईपीएल प्लेयर बी? कोई सेलिब्रिटी नहीं हो सकता आपके लिए? नो नो, नॉट अ सेलिब्रिटी। इट इजंट? नो। ललित मोदी? आई थिंक इट हैज टू बी ललित मोदी सन। आई गेस इट्स शिल्पा शेट्टी। आपको लगता है कि ये शिल्पा शेट्टी है? क्यों लगती है फेक हो एक नंबर? आपको लगता है कि शिल्पा शेट्टी के पास इतना टाइम है कि वो एक ब्लॉग बना सके, वो भी अनाप शनाप बके? वो करती क्या है, खाली डांस करती, जो बराबर से भी नहीं करती है। तब के लिए यू चेक आउट द पेप्सी एमटीवी व्हाट्सएप पोल ऑफ द डे। काफी सारे यंगस्तानीज इलेक्शंस को लेकर बहुत सीरियस है एंड दे हैव आल्सो टेकन द इनिशिएटिव टू कम अप विद कैंपेन्स टू इंश्योर कि आप भी वोट करें। सो वी आस्क यू, डू यू थिंक इलेक्शन अवेयरनेस कैंपेन्स इन्फ्लुएंस द यूथ टू वोट? SMS Haryana to 56882 and let us know the voice of Youngistan. Kal humne aapse pucha tha, do you think the Deccan Chargers will win IPL 2? 61% ne kaha ha, they're all charged up and ready to go. 39% ne kaha na, मुंबई इंडियंस दुनिया को और डेक्कन चार्जर्स को भी हिला के रख देंगे। ओके, जाने से पहले इट्स टाइम फॉर लाइव कैंपस मेल जहां पे यंगस्तान स्पीक्स अप अगेंस्ट द अत्याचार दैट द एजुकेशन सिस्टम ब्रिंग्स अस। हमारे सिस्टम, हमारे इंजीनियरिंग सिस्टम में तो बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हैं, हमें जो सिखाते हैं वो इंडस्ट्री में कभी यूज नहीं हो सकता। और कुछ आपको चेंज चाहिए एजुकेशन सिस्टम? या यू शुड एक्चुअली पूरे प्रोफेसर्स को चेंज करना चाहिए क्योंकि फैकल्टी जो है उन्हें हमसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं, हमसे कम इन्फॉर्मेशन है, हम उनको सिखाते ज़्यादा। यंगस्तान हैज स्पोकन, प्लीज पे अटेंशन, थैंक यू वेरी मच, कीप सेंडिंग योर ईमेल, सेंड इट टू wassup@mtvindia.com एंड कीप वॉचिंग पेप्सी एमटीवी व्हाट्सएप द वॉइस ऑफ यंगस्तान।